थी बिकॉज इसमें इट्स अ क्राइम थ्रिलर बेस और मैंने नरेशन लिया है, मुझे स्टोरी पता है, सो इट्स अ वेरी गुड कंसेप्ट, वेरी गुड, यू नो प्रॉपर एक यू नो मज़ा आएगा फिल्म देखने के कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा टाइप्स. सो दिस फिल्म इज इम्पॉर्टेंट. इसमें मेरा एक प्रमोशनल सॉन्ग है जो मैंने रेट्रो सॉन्ग किया है, वेरी गुड थीम, और काम किया है ईशा जी के साथ में, ईशा गुप्ता मैम, शी इज़ वेरी गॉर्जियस, वेरी प्रिटी, एंड बड़ा मज़ा आया उनके साथ काम करके. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस फिल्म. But you said that when मतलब दो तीन एक्टर्स होते हैं फिल्म में एक शो में तो आपस में इट्स नॉट सो कंफर्टेबल जोन और कैट फाइट्स और बहुत सारे एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि नॉट एट ऑल. मैं तो ऑलरेडी नर्वस थी बिकॉज शी इज सच अ ग्रेट आर्टिस्ट. तो ऐसे आई, उन्होंने ऐसे काम किया एंड मैं खुद उनको देख के नर्वस हो रही थी कि यार मतलब यू नो शी इज सच अ प्रिटी लेडी और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था, ऐसा नहीं था, बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करके. सी उसके लिए अभी आई हैव टू यू नो आई एम वर्किंग हार्ड फॉर दैट. दैट्स द लेटेस्ट स्टेज विच आई एम लुकिंग फॉरवर्ड. सो वो अभी स्टेज आने वाला है, नो डाउट. आई एम वर्किंग ऑन फ्यू प्रोजेक्ट्स. मैंने और भी मेरी फिल्म्स की हैं जिनमें मेरा लीड रोल मैं प्ले कर रही हूँ. आने वाली फिल्म्स भी हैं जिनमें आई एम प्लेइंग द लीड इन द फिल्म. बट दिस फिल्म, ये फिल्म अभी काम जिसका जो कैरेक्टर जिसके ऊपर सूट करता है वो वही कैरेक्टर करेगा. अनुपम जी का कैरेक्टर मैं नहीं कर सकती, वो वही करेंगे जो उनके ऊपर उन्हीं के लिए बनी थी वो फिल्म. सो इट वॉज लाइक दैट ओनली कि ईशा जी हैं वो, शी इज़ प्लेइंग द कॉप्स इन द फिल्म, पुलिस ऑफिसर का रोल वो प्ले कर रही हैं. तो और जो ये रिट्रो सॉन्ग है इसके लिए मैं इसलिए एक्साइटेड थी बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा इन्होंने मतलब बहुत अच्छा शूट किया है, बहुत अच्छी रिहर्सल्स भी इसके लिए की थी और बहुत प्यारा गाना है, अगर आप सुनेंगे तो मज़ा आएगा आपको सुन के. तो इसलिए मैंने ये सॉन्ग किया. लेकिन आज के दौर में जितने भी टॉप एक्टर्स हैं, कंगना हैं, दीपिका हैं, जितने भी हैं, सब ने शुरुआत जो की थी या बाद में जो भी काम किया, ज़्यादातर बड़े प्रोजेक्ट में काम करती हैं, बड़े प्रोड्यूसर के साथ, बड़े बैनर के साथ. तो ये बताएं कि कितना मुश्किल होगा अगर आप शुरुआत करती हैं एक एवरेज बजट एवरेज प्रोडक्ट के साथ. एक्चुअली क्या है ना, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. आप हम लोगों ने जब कोई बन जाता है ना तब हमें उसका प्रोजेक्ट दिखाई देता है. नवाजुद्दीन की कौन सी आपने देखा है, उनको MBBS में वो थप्पड़ खाते हुए, चांटा खाते हुए, उन्होंने संजय दत्त से चांटा खाया, वो हमें नहीं पता उस फिल्म में, लेकिन आज हम उनको जानते हैं, राइट. सो ऐसी कई प्रोजेक्ट्स हैं, कंगना के भी होंगे या और भी, नो डाउट शी इंस्पायर्स मी अ लॉट, कंगना मैम और प्रियंका जैसे हो गई. तो दीज आर द सेल्फ मेड लेडीज़ और उनके भी ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे काफ़ी जो यू नो. और ऐसा हमेशा होता है कि जब हम एक फिल्म कर लेते हैं और आगे वाली करते हैं तो हम सोचते हैं अरे यार वो फिल्म ठीक नहीं थी, वो नहीं करनी चाहिए थी, वो हो गई, फिर आगे वाला अरे वो नहीं करना चाहिए था वो. बट इट्स नॉट द थिंग, दीज आर द स्टेप्स यू नो विच आर लीडिंग यू टू अ बेटर प्लेस, अ बेटर यू नो एनवायरमेंट एंड अ बेटर फिल्म. सो आई गेस सबका एक अपना जर्नी होता है, सबका एक अपना जर्नी है, सब अपने अपने तरीके से स्टेयर्स चढ़ते हैं, ऊपर ऊपर जाते हैं. छोटा छोटा फिल्म भी, फिल्म कभी छोटी नहीं होती, इट्स जस्ट द यू नो कंटेंट उसको छोटा या बड़ा बनाता है. फिल्म कभी छोटी या बड़ी नहीं होती, छोटी फिल्में भी बहुत चलती है. प्यार का पंचनामा पता था आपको चलेगी, पर वो चली, फुकरे, दैट वॉज अ स्मॉल बजट फिल्म बट वो चली. क्यों? बिकॉज वो कंटेंट बेस्ड फिल्म थी. अभी बड़ी बड़ी फिल्मों में के नाम नहीं ले सकती हूँ, वो फिल्में नहीं चल रही हैं आजकल. क्यों? क्योंकि कंटेंट ही नहीं है आपके पास. कंटेंट होगा तो फिल्म चलेगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आर्टिस्ट छोटा हो या बड़ा हो, छोटा भी वो बन जाता है और बड़ा बनने में भी उसको दिस इज जस्ट वन फ्राइडे गेम, नो इट. और ये बात कितना मानती है कि जो भी प्रोजेक्ट होते हैं बड़े प्रोजेक्ट की अगर बात कर रहे हैं तो ज़्यादातर स्पेस मेल एक्टर को दिया जाता है, फीमेल जो भी होती हैं. तो ये तो आप उनसे पूछो ना, डायरेक्टर से, प्रोड्यूसर मुझसे, मुझे क्या मालूम, ये चीज़ तो मुझे नहीं मालूम. नहीं, गलत सही तो नो डाउट इट्स अ मेल डोमिनेंट सोसाइटी, ये नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है. आदमियों को हमेशा प्राथमिकता दी जाती है, इसीलिए कंगना रनौत मैम शी इंस्पायर्स मी अ लॉट. वो कहती हैं कि मेरा फिल्म में रोल जो है वो 5 मिनट ज़्यादा होना चाहिए हीरो से, एंड दैट्स हाउ इट शुड बी. आप और मैं मतलब
मतलब ऐसा हम लोग सिर्फ बोल सकते हैं. इट्स जस्ट योर थिंकिंग कि आपको आपको किस तरह से रेज किया गया है. लड़की को जिस तरह से रेज करते हैं ना माँ बाप, उसी तरह से उस लड़के को भी रेज करना चाहिए, आपको सेम होना चाहिए. तो तब ये इनइक्वालिटीज जो नाम की चीज़ है ना, जो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती, वो सब नहीं होंगी. रेज करना इम्पोर्टेंट है, लड़कों को भी उसी तरह रेज किया जाए जिस तरह से लड़कियों को करते हैं, सो दैट तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. इनइक्वालिटी से लेकर रेप से लेकर डाउरी सिस्टम एंड ऑल दीज जो प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में, वो सब चीज़ें नहीं होंगी. आई गेस. और लुक्स कितना मैटर करता है? जब भी बात बात आती है कि हाँ एक एक्ट्रेस है, हीरोइन है, हाँ. तो ज़्यादातर परसेप्शन ये होता है कि बहुत ब्यूटीफुल होगी. ये परसेप्शन का गलत या सही मानते हैं आप? सी एक्ट्रेस का आई गेस एक पहला तो होता ही है कि शी शुड बी ब्यूटीफुल, बट ऐसा मुझे नहीं लगता कि उसके होने से ऐसा मतलब इम्पैक्ट करेगा. वो नाना पाटेकर जी को अगर आप देखोगे तो फिर ही इज सच अ ग्रेट एक्टर. वो सुंदर नहीं है तो, लेकिन वो काम अपनी जगह उनका वही करेंगे, वही काम करेंगे. एंड ही इज जस्ट वो रोल में ऐसा फिट होते हैं कि उनके जैसा कोई कुछ नहीं कर सकता. फिर तो जिस रोल में जो फिट बैठेगा, अगर कमर्शलाइज ऐसी फिल्म होगी जिसमें ग्लैमरस दिखाना है लड़की को, तो वो फिर वैसा ही बना देंगे उसको. एंड देर आर मैनी मोर एग्जाम्पल्स. तो सुंदरता मैटर करती भी है कई कई जगह और नहीं भी करती. आई गेस दैट्स इट. तो राइट ना, जितना भी आपका वक्त गुजरा 3 साल का, हाँ 3 साल, तो हु आर द पीपल रियली गाइडेड यू? क्या कोई ऐसा कंसर्न पर्सन जिसके बारे में कहना चाहेंगे कि हाँ वो तो पर्सन गाइडेड नहीं है कुछ? मेरे जो मतलब नो डाउट, बिकॉज मैं तो नॉन फिल्मी दुनिया से हूँ, तो नो डाउट मुझे ऐसे कई लोग मिले जो मुझे यू नो जिन्होंने प्रॉपर रास्ता दिखाया, प्रॉपर थोड़ा सा बताया कि यू नो दिस इज़ राइट, दिस इज़ रॉन्ग, यू शुड डू दिस वे. सो उनमें से है एक नाम मुकेश टाग जी. उन्होंने मुझे बताया यू नो कि आपकी दुनिया ये है, आप ये काम भी कर सकते हो. एंड अशोक नंदा जी भी, ही वॉज़ वन ऑफ द पर्सन जिन्होंने मुझे बताया कि यू नो यू आर वर्थ इट. बिकॉज समटाइम्स आपको बिलीव नहीं होता खुद पे भी कि ये आप कर सकते हो कि नहीं, बट यू नो देर आर सर्टन काइंड ऑफ पीपल हु जस्ट गाइड यू, हु जस्ट टेल यू कि आप ये कर सकते हो. और उसके अलावा मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, सब लोग बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं और बहुत ज़्यादा यू नो दे टेंड टू यू नो जस्ट पुश मी कि हाँ तू कर सकती है दैट वे. सो ये सब लोग हैं. मतलब अगर आपको फेमस होना है, अगेन इट कम्स टू नेपोटिज्म, राइट? सो नो डाउट कि अगर आपका आपके पिताजी या आपकी माताजी जो हैं वो ऑलरेडी, बट दैट्स द सेम क्वेश्चन ना अगेन. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट लिंक अप्स. आई एम नॉट टॉकिंग नेपोटिज्म, दैट इज रिलेटेड टू फैमिली बैकग्राउंड. लिंक अप्स ऑन लिंक अप्स, व्हाट लिंक अप्स? रिलेटेड टू रिलेशनशिप. फेमस एक्टर, फेमस डायरेक्टर, फेमस प्रोड्यूसर, ओके, एनीवन रिलेटेड टू इंडस्ट्री. ओके, सी मेरा एक्सपीरियंस नहीं है एक्चुअली ऐसा, तो मैं आपको आंसर नहीं दे सकती. बिकॉज मेरा आई एम अ सिंगल पर्सन एंड आई एम हैप्पीली सिंगल. एंड आई गेस ये सब चीज़ें काम नहीं देती हैं आपको. आपको काम देता है आपका प्रॉपर डेडिकेशन, आपके प्रॉपर ऑडिशंस, आपका प्रॉपर काम और लोगों से मिलना. यू नो यू हैव टू मीट पीपल, यू हैव टू मीट एंड आस्क फॉर वर्क कि यार मुझे काम चाहिए. So that works, nothing works, all is bullshit.